मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो है जिस पर 1,77,000 पेज व्यू है और 3600 रुपए मिले हुए हैं, और यहां पर एक वीडियो है आप देख सकते हैं सिर्फ 1,05,000 व्यू है और इस पर 7,151 रुपए मिले। कैसे? इस वीडियो पर YouTube सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और इस वीडियो पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वीडियोस को SEO करके सर्च में ला सकते हैं, YouTube SEO कैसे काम करता है, कैसे आप अपने वीडियोस को सर्च में ला सकते हैं, चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे आपका टेक का चैनल हो, चाहे आपका ब्लॉगिंग का चैनल हो, चाहे आपका कुकिंग का चैनल हो, चाहे गेमिंग का चैनल हो, कोई भी चैनल हो। आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो समझ में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से अगर आप वीडियो को देखते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप देखना चाहते नहीं देखना चाहते, मेरा काम है आपको बताना कि ये जो वीडियो है ये वीडियो YouTube सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया गया है इस पर, और इस पर YouTube सर्च से तभी व्यू आ रहा है और पैसे देखिए 1,05,000 पेज व्यू पे 7,100 रुपए, और यहीं पर ये एक वीडियो है 1,77,000 पेज व्यू है और देखिए पैसे देखिए आप 3600 रुपए, मतलब कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस वीडियो पर नहीं किया गया है, तो यही चीज आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। यहां पर अगर मैं डिटेल पे जाता हूं तो आप खुद देख सकते हैं ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये मैंने कैसे एसईओ किया हुआ है, कैसे ये यूट्यूब सर्च में आई है और कैसे मैं इससे अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर यह मेरा वीडियो हर जगह रैंक कर रहा है, रैंकिंग पोजिशन देखिए, कैसे भी करके यूट्यूब फेसबुक पेज से पैसे कैसे कमाए, 2022-2023 टॉप में यूट्यूब पेज से कैसे कमाए सेकेंड पोजीशन पे, ऐसे देखिए चौथी तीसरी, ये जितने भी टैग मैंने लगाए यहां पर ये सारे रैंकेबल हैं, फुल एसईओ किया हुआ है, 100% एसईओ है और तभी इस वीडियो से अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है। तो आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि अगर आप एक नया क्रिएटर हैं, चाहे आपका ब्लॉगिंग चैनल हो, चाहे कोई भी चैनल हो, आप कैसे एसईओ कर सकते हैं। और यहां पर ये जो वीडियो है इस पर ट्रैफिक आ रहा है ब्राउज फीचर से, ये वायरल टॉपिक है, वायरल ब्राउज फीचर पर जा रही, तो आप खुद देख सकते हैं अर्निंग कैसा है। अगर यही वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता तो आप खुद देख सकते हैं इतना अच्छा खासा यहां पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आप खुद देख सकते हैं यूट्यूब सर्च से ट्रैफिक आ रहा है और इससे मैं लाइफ टाइम अर्निंग करूंगा। और ये जो वीडियो है विदाउट एसईओ की, इसका कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए, लेकिन इसका भरोसा मैं जिंदगी भर कर सकता हूं, जिंदगी भर इससे पैसा कमाऊंगा। तो वही आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका नया चैनल है, आज मैं आपको ये बताऊंगा YouTube, मैं आपको पहले बता दूं YouTube एल्गो जो एसईओ है वो चेंज हो चुका है 2022 में, पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, सबसे पहले एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दिया कि ये क्यों करना है, क्यों आपको सीखना है, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। सब्सक्राइबर देखिए मिले कितने, इसमें 1,77,000 पे इतने ही सब्सक्राइबर मिले, इतना पैसा मिला, लेकिन इस पे जो एसईओ किया हुआ है उस पे देखिए कितना पैसा मिला हुआ है और यहां पर सब्सक्राइबर कितने मिले हुए। और अगर मैं डिटेल पे जाता हूं तो आपको इसका एसईओ स्कोर दिखाता हूं, इसका एसईओ स्कोर देखना आप, ठीक है, स्कोर देखना आप कितना है, ठीक है, अभी यहां पर आ जाएगा, स्कोर देखना आप कितना है। तो ये चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि जो मैंने आपको बताया है कि YouTube एल्गो चेंज हो चुकी है। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, यहां पर मैं सर्च करता हूं केदारनाथ, अगर मैं केदारनाथ सर्च करता हूं तो केदारनाथ सर्च करने पे आप खुद देख सकते हैं कि यहां पर 2 दिन पहले वीडियो जो अपलोड हुआ है वो वीडियो भाई साहब का आ गया, 4 वीक पहले आया, और देखिए 1 साल पहले जो अपलोड हुआ है वो नीचे आ गया, देखिए आप खुद देखिए। तो अब ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि YouTube एल्गो जो है 2022 में SEO बदल चुका है। अब यहां पर नए नए जो चैनल्स हैं जो YouTube पर काम करते हैं, एक सर्चेबल SEO करके वीडियो बनाते हैं, तो उनके वीडियोस भी टॉप में आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। 4 वीक में देखिए, 2 वीक में देख, कुणाल के ब्लॉग अभी ज्यादा सब्सक्राइबर शायद इस चैनल पे नहीं है, मुश्किल से 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने केदारनाथ की वीडियो इनकी टॉप में आ चुकी है। तो क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने एसईओ अच्छे से किया हुआ है। कैसे किया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और देखिए, जो ऐसा नहीं है कि YouTube क्या करता है कि अब आपकी जो टॉप वीडियोज होती हैं जिनमें ज्यादा व्यूज होता है, वॉच टाइम होता है, वो भी लाता है सर्च में 1-2 वीडियोज, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट वीडियोज होते हैं जिनमें अच्छा खासा लोग वॉच करते हैं, जो नया चैनल होते हैं उनको भी ग्रो कराने की कोशिश करता है अभी। और ये तो एक एग्जाम्पल मैंने ब्लॉगिंग का ले लिया, चलिए यहां पर बताता हूं मैं आपको फेसबुक पेज कैसे बनाए, एक मैं आपको इसको बता देता हूं फेसबुक पेज कैसे बनाए। अब देखिए यहां पर जो 2 साल पहले
और एक साल पहले की वीडियो यहां पर सबसे पहले टॉप रेटेड वीडियो आ गई। इसके बाद जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुई है, देखिए मेरी भी आ गई, और इसके बाद जो अभी शायद कल जो अपलोड हुई होगी वो भी आ जाएगी नीचे। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, 10 दिन पहले देखिए अपलोड हुआ, 6 दिन पहले। ये देखो छोटा चैनल है, ज्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये नया चैनल की वीडियो यहां पर आई। ये देखिए नया चैनल 6 दिन पहले 51 व्यूज है, तो नया चैनल की वीडियोस क्यों आई। और नीचे दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर और दिखाता हूं, नीचे आएंगे। ये देखिए 3 दिन पहले इनका वीडियो भी आया, तो मतलब YouTube क्या कर रहा है, आप जो नया चैनल है उनके वीडियोस भी सर्च पे ला रहा है, उनके अगर वो SEO अच्छा से करते हैं तो उनका भी। तो वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर आपको कैसे SEO करना है। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजें इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया कि इससे पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलता है और अच्छा खासा आपका अर्निंग भी सोर्स होता है। और देखिए कैसे लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है, एक टाइटल पे आपको टॉपिक पे अपने वीडियो को रैंक नहीं कराना है, आपको मल्टीपल टॉपिक पे कराना है, मल्टीपल कीवर्ड्स पे सेम वीडियो को आपको रैंक कराना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। देखिए आपको कोई भी बता देगा, हवा हवा में बात नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल सही चीज आपको बताऊंगा, बस आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको सीखना पड़ेगा ये चीजें। जैसे ये वीडियो मैंने क्या किया, अभी 1 महीने पहले किया था मैंने, और ये वीडियो 1 महीने पहले मैंने बनाया था, आप खुद देख सकते हैं। और किस वीडियो को टारगेट किया था मैंने, मनोज दे की वीडियो को, ये वीडियो को टारगेट किया था, इस वीडियो को टारगेट किया था मैंने। ये देखिए टारगेट किया, ये देखिए वीडियो वही आ गई, 1 महीने पहले मैंने डाला, 1,05,000 व्यू आ गए, और ये 1 साल से पड़ी हुई है। तो मैंने इसको टारगेट किया, कैसे किया, देखिए क्या हुआ कि यहां पर दोस्तों क्या है कि ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, ये मैंने 2 टॉपिक पे रैंक कराई, 2 टॉपिक पे, 2-3 जो कीवर्ड्स है जो लोग सर्च करते उन पर है। देखिए फेसबुक पेज से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, सबसे पहले आते हैं फेसबुक पेज से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है फेसबुक पेज कैसे बनाएं, हो गया 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक ये है, लोग अगर ये सर्च करेंगे तो भी वीडियो आएगा, अगर ये सर्च करेंगे तो भी वीडियो आएगा, मतलब 2 टॉपिक पे मैंने कवर करा है। अब देखिए कैसे मैंने, क्या होता है कि जो भी आप वीडियो रैंक कराते हैं, SEO करते हैं ना, उसमें आपका टाइटल मेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल होता है। देन इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन होता है, टैग बाद में आता है। पहले देखिए मैंने क्या किया, पूरा जो है इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखना क्या करना, ऐसे मैंने क्या किया, पूरे चीजें मैंने यहां पर पेस्ट कर दी। इसके बाद और भी कुछ मैंने ऐड कर दिया, फेसबुक पेज से कैसे बनाए, फेसबुक पेज कैसे बना, पैसे कैसे कमाए, मैंने ये चीजें ऐड कर दी। देन इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने क्या किया, कुछ क्वेरी मैंने लिखी हुई है यहां पर। एक देखिए क्या होता है, हमें एक सिस्टमेटिक वे से काम, अब यह नहीं कि मैंने क्या किया कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एक टैग, लोग क्या करते हैं, आप लोग गलतियां क्या करते हैं कि ये जो सारे टैग हैं इनको उठाया, इनको यहां से कॉपी किया, सारे टैग को कॉपी किया और यहां से कॉपी कर लिया और यहां पर जाके अपने जो डिस्क्रिप्शन में आपने पूरा पेस्ट कर दिया, मतलब बल्क में आ गया। ऐसा नहीं करना, आपको एक सिस्टमेटिक वे से 1-2-3 ऐसे करके, देखो फेसबुक पेज कैसे बना, ऐसे कुछ आपको पॉइंट लिख देने, इतना आपको कर देना है। और इसके बाद देखिए कैसे मैंने यहां पर किया, अब ये तो मैं आता हूं टैग में, ये देखिए सारे टॉपिक मैंने यहां पर कवर किए हैं। ये देखिए फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करें, हाउ टू मेक क्रिएट मनी, पैसे कैसे बनाएं, फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, सारी चीजें मैंने यहां पर कवर की। तो आपने यहां देख लिया ना कि कैसे मैंने यहां पर रैंक कराया। अब अगर आपको, अब देखिए यहां पर क्या करना है कि अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, मैंने पहले आपको एग्जांपल दें, इसके बाद कैसे आपको करना प्रॉपर क्या होता है। जैसे यहां पर मैं सर्च करता हूं मसूरी, ठीक है, मसूरी, जैसे कि आप मसूरी गए, एक ये ब्लॉग के बता रहा हूं, टूरिस्ट प्लेस है जहां लोग जाते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। मसूरी आप गए, अब मसूरी मैंने सर्च किया, देखिए तो यहां पर 3 वीक पहले एक वीडियो आया, कुणाल के ब्लॉग, इनका वीडियो पहले आ गया, क्यों, इसके बाद देखिए क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं आया, इस पे 6 लाख व्यूज है, इस पे ये 2 साल पहले गया 1.3 मिलियन व्यूज है, ये क्यों नहीं आया, ऐसे करके ये देखिए ये भी वीडियो आ गया, इस पे भी 1 साल पहले इतना अच्छा खासा व्यूज है, ये क्यों नहीं आया। और देखिए ये देखिए मैंने मसूरी सिर्फ सर्च किया, मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब एल्गो चेंज हो चुकी है, मसूरी डाला तो यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे मैं आपको आता हूं, देखिए ये वीडियो आया भाई साहब का, ये वीडियो है टॉप में आया, अभी 3 वीक पहले है ये वीडियो, 3 वीक पहले है ये भी टॉप में आया। और देखिए यहां पर नए वीडियोस भी होंगे, ये देखिए यहां पर आरूसी अर्नब ब्लॉग्स, इनका वीडियो देखिए 7 दिन पहले है लेकिन फिर भी ये टॉप में आया,
क्यों? मैंने आपको बताया कि YouTube जो एल्गो है, जो SEO है, वो 2022 में चेंज हो चुका है। जो नए क्रिएटर है उनका वीडियो भी अब सर्च में आता है अगर वो अच्छे से SEO करते हैं। तो अब SEO कैसे करते हैं मैं आपको ये सिखाता हूं कि इन भाई साहब का वीडियो अभी सिर्फ 3 वीक का है, आखिर ये वीडियो टॉप में क्यों आया अगर मसूरी डाला। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं इनका टाइटल देखिए, यहां पर मैं मार्क करता हूं और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको गौर से समझना है, प्लीज मेरी बात को गौर से समझना, मजाक भी मत लेना यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर मसूरी टूर, यहां पर डाला इन्होंने मसूरी टूर, यहां पर इन्होंने क्या किया, इस वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं उन पर रैंक कराया है। लोग अगर मसूरी कुछ भी डालेंगे, मसूरी टूर डालेंगे, मसूरी डालेंगे, मसूरी ट्रिप डालेंगे, मसूरी टूरिस्ट प्लेस डालेंगे, मसूरी प्लान बजट डालेंगे, फिर भी इनका वीडियो आएगा। मतलब कैसे कैसे इन्होंने किया है वो कैसे आपको करना है अपनी वीडियोज में किसी भी कैटेगरी पे। देखिए मसूरी टूर प्लान एंड बजट ये भी अलग हो गया, मसूरी ट्रिप ये भी अलग हो गया, मसूरी गाइड ये भी अलग हो गया, मसूरी टूरिस्ट प्लेस ये भी अलग हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने टाइटल को देखो कैसे कैसे इन्होंने मैनेज किया। एक देखिए, एक ज्यादा बड़ा नहीं बनाया लेकिन इन्होंने क्या किया, इतना अलग किया, इतना पार्ट अलग किया, बीच में एक लाइन कर दी, ये देखिए स्पेस दी। तो इन्होंने क्या किया, इसको अच्छे से अपने इस टाइटल को अच्छे से इन्होंने अच्छे से लिखा है, अच्छे से रैंक कराया। एसईओ देखिए यहां पर, एसईओ देखिए ये वीडियो क्यों सर्च में आ रहा, क्योंकि एसईओ स्कोर इसका पूरा क्या है, 100 है। ये देखिए एसईओ स्कोर, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अब देखिए इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है ये आपको सीखना है। क्या होता है कि टैग सबसे पहले हमारा होता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो को रैंक कराने में, एसईओ करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एक प्रॉपर वे क्या होता है वो मैं आपको बता, डिस्क्रिप्शन में देखिए सबसे पहले आपको बताया था ये जो टाइटल है इसको कॉपी करके इन्होंने डाल दिया, जैसे हम सब डालते हैं उन्होंने डाल दिया। इसके बाद क्या किया इन्होंने, देखिए नीचे आइए, ये सिस्टमैटिक वे से, मैंने आपको बताया था ना बेस्ट ट्रैवलिंग ऑप्शंस फॉर मसूरी, मसूरी होटल एक्सपेंसेस, सारी चीजें इन्होंने करके, मसूरी फूड एक्सपेंसेस, मसूरी मसूरी कन्वेंस, मसूरी कंप्लीट टूर प्लान एंड बजट, सारी चीजें देखिए इन्होंने कर एक सिस्टमैटिक वे से, ऐसे आपको भी करना है, एक सिस्टमेटिक वे से आपको सजाना है, स्पेस देके अच्छे से डिजाइन करना है, जिससे क्या हुआ देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया, अब यहां पर जो मसूरी का यहां पर हैशटैग भी यूज किया अच्छे से, मसूरी ट्रिप, मसूरी, मसूरी टूरिस्ट प्लेसेस, इन्होंने 3 हैशटैग यूज किया, और ये देखिए यहां पर जो भी प्लेस है उन्होंने उस चीज के बारे में यहां पर दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया प्रॉपर जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ऐसे ही आपको भी डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल लिखना है, ऐसे करके आपको कुछ ऐसे करके आपको सिस्टमैटिक वे से करना है। ये नहीं कि काफी सारे लोग करते हैं कि जो टैग होते हैं पूरे उठाया और उसको चाप देते हैं, वो इसमें क्या होता है कि फिर आपका उसमें क्या होता है कि हमारा जो वीडियो होता है वो अच्छे से रैंक नहीं कर पाता, एसईओ नहीं हो पाता है इनका। देखिए और एक चीज, बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूं, एसईओ स्कोर इनका देखिए 100 है, पूरा 100 है एसईओ स्कोरिंग। देखिए इनका जो एसईओ स्कोर है वो कितना, पूरा 100 है, पूरा 100 एसईओ स्कोर है। कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, सॉरी यहां से मैं इसे कैंसिल करके रिफ्रेश करता हूं और आपको एक एक चीज बताता हूं कि इन्होंने टाइटल पे कैसे अपने टाइटल का दिमाग लगाकर कैसे अपने मल्टीपल कीवर्ड्स पे अपने वीडियो को रैंक कराया है, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे आता हूं और यहां पर मैं आपको इनके टैग दिखाता हूं, टैग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि वीडियो को रैंक पे लाना है, एसईओ करना आपको आना चाहिए। अगर ये आप सीख गए तो भाई साहब आप हर एक वीडियोस को जो आपके वीडियोस हैं उनको आप जो बेसिक टॉपिक सर्चेबल कंटेंट हो तो उसको आप एसईओ करके आप रैंक पे ला सकते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए सारे टैग रैंक कर रहे हैं भाई साहब, सारे टैग रैंक कर रहे हैं, और देखिए इन्होंने क्या किया कि ये नहीं कि पूरा टाइटल उठाया बड़ा सा डाल दिया टैग ना, जितने भी ब्लॉगिंग चैनल पे हैं ज्यादातर आपको शॉर्ट टाइटल डालने, शॉर्ट छोटे छोटे करके टाइटल नहीं सॉरी टैग डालने। ये देखिए मसूरी टूरिस्ट प्लेस भी कवर किया इन्होंने, मसूरी टूर, मसूरी ट्रिप, मसूरी टूर प्लान, मसूरी टोटल बजट, कैसे जाए और कैसे पहुंचे, ये देखिए इंग्लिश भी यूज किया और इंग्लिश भी यूज किया, मसूरी ट्रेवलिंग गाइड, ट्रिप, टूरिस्ट ब्लॉग पैकेज, देखिए मसूरी, मसूरी टूर पैकेज, सारी चीजें इन्होंने छोटी छोटी करके कवर किया, तभी इनका वीडियो क्या आ रहा, हर एक टाइटल पे इनका वीडियो आएगा। अगर टूर डालेगा तो मसूरी ट्रिप डालेगा तो भी इनका वीडियो आएगा। तो आपने देखा ना कैसे करके ये करें। अब देखिए ये जो टैग है आखिर ये टैग इन्होंने कहां से लिया है वो भी मैं आपको बताता हूं, कहां से आपको भी लेना है। अब देखिए जैसे कि अगर मैं यहां पर बैक आता हूं, मैं यूट्यूब पर जाता हूं, अब देखिए जैसे कि आपको जाना है कहां, केदारनाथ, केदारनाथ के बारे में आप बता रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, केदारनाथ, केदारनाथ जाना है।
अब इस देख केदारनाथ आपका टाइटल है, अब इसमें केदारनाथ यात्रा देखिए इन्होंने भी डाला है, केदारनाथ यात्रा 2022 केदारनाथ टूर प्लान। देखिए ये एक प्रॉपर वे से काम करते हैं। देखिए इनका वीडियो सबसे पहले आ गया, दो दिन पहले डाला फिर भी वीडियो आ गया, चार वीक पहले आया, एक साल पहले, लेकिन इनका वीडियो पहले नहीं आया, पहले इनका आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है और इन्होंने प्रॉपर तरीके से एसईओ किया हुआ है। यही एसईओ आपको सीखना है। केदारनाथ इस पर क्लिक करता हूं, देखना केदारनाथ इन्होंने भी देखिए पूरा प्लान, देखिए आप इनका कैसे ये एसईओ करते हैं। केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ टूर एंड प्लान, बजट, केदारनाथ यात्रा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करता हूं इनके समझिए चोरा सीखिए, देखिए अगर मैं बात करता हूं इनके डिस्क्रिप्शन की, देखिए पूरा पहले टाइटल कॉपी किया, इसके बाद देखिए पूरा इन्होंने वैसे ही कवर किया। ये देखिए कैसे कैसे आपकी बुकिंग होगी, कैसे क्या होगा, कितना आपका बजट होगा, केदारनाथ में क्या क्या प्लेसेस हैं, वो सारी चीजें कवर की। अब मेन बात आ जाती है आपके टैग की। टैग देखिए भाई साहब इनके टैग देखिए, सारे टैग यहां पर रैंक कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए सारे टैग, अब ये टैग कहां से लिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको टैग लेने हैं। देखिए सारी चीजें केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ 2022 सारी चीजें, ट्रिप ब्लॉग, देखिए ट्रिप ब्लॉग, केदारनाथ ब्लॉग, ट्रिप प्लान, सारी चीजें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इन्होंने कवर की है। इनका वीडियो तभी रैंक में आ रहा है। अब देखिए प्रॉपर तरीके से एसईओ इन्होंने किया है। अब इन्होंने देखिए पूरा ये टाइटल मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, जैसे ये भाई साहब लिखे ऐसे करके आपको भी करना है। डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका आपको बताया। अब यहां पर टैग कहां से लेना है, टैग आपको तो पता नहीं होगा कौन से लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है rapidtag.org, इस वेबसाइट पे आना है। यहां पर जो भी टाइटल है, जैसे कि आपको जाना है केदारनाथ, मैंने कर दिया केदारनाथ, मैंने यहां पर सर्च कर दिया और यहां पर जनरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए केदारनाथ मैंने डाला और जनरेट किया, देखिए कितने सारे यहां पर टैग आ चुके, सारे वही टैग जो उस उन्होंने इन्होंने यूज किए, जो इन्होंने यूज किए, ये देखिए सारे टैग यहां पर आ जाएंगे जो इन्होंने यूज किया। ये देखिए ये सारे टैग यहां पर आ चुके हैं, केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ टेंपल यात्रा, दो केदार ब्लॉग, धाम, ट्रैक, ट्रिप, ट्रैक, मंदिर, यात्रा ब्लॉग, देखिए सारी चीजें यहां पर, लाइव दर्शन, सारी चीज, यही चीज आपको यूज करनी है। जैसा आपका टाइट, आपको क्या करना है, सीखना है कि हम अपनी इस एक वीडियो को कैसे अब डबल जो कीवर्ड है उस पर, दो तीन चार पांच कीवर्ड पे कैसे रैंक करा सकते, ताकि लोग कुछ भी सर्च करें हमारा वीडियो आना चाहिए भाई, हमारा वीडियो आना चाहिए। तो ये तरीका होता है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें देखिए कितना डिफरेंस है। ये एक एसईओ किया हुआ वीडियो है जिसपे अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है और अच्छा खासा व्यूज भी आ रहा है, यूट्यूब सर्च है और लाइफ टाइम आएगा, इसका भरोसा है कि यह लाइफ टाइम व्यूज देगा। लेकिन इस वीडियो का भरोसा नहीं है, ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना तो ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, और व्यूज क्या आ रहे हैं, ब्राउज फीचर से आ रहे हैं, और इसका भरोसा नहीं है कब चले कब बंद हो जाए। तो आपको समझ गए होंगे कि कैसे एसईओ करना है। और मैंने भी, मैं आपको अपने चैनल की बात बताता हूं, मेरे चैनल पर मैं एसईओ करता हूं, मैं काफी सारे मेरे चैनल पर वीडियोस हैं जो ये देखिए यहां पर दिखाता हूं एसईओ से रिलेटेड है, और मैं अपने चैनल के सारे वीडियोस को ज्यादातर मैं रैंकेबल बनाने की कोशिश करता हूं, और ताकि आप सीखें। यहां पर देखिए मैंने इतनी ये वीडियो है, ये भी देखिए रैंक पे है और ये वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आता है। आप देख सकते हैं यूट्यूब 2012 इसमें मैंने चैनल पर कितने सारे वीडियोज है, यूट्यूब दूसरे का वीडियो डाल के पैसे कैसे कमाए, ये भी देखो सर्च पर चल रहा है। एक ये देखिए यहां पर मूवीज कैसे अपलोड करें, देखिए इस पर भी मैंने एसईओ किया हुआ, प्रॉपर वे समझना मेरा एसईओ मैंने कैसे किया हुआ है। देखिए यूट्यूब सर्च से आता है, अगर मैं एनालिटिक्स पे जाता हूं तो यूट्यूब, आपने समझ गए एसईओ कैसे काम कर रहा है। अगर आप अच्छे से एसईओ करते हैं तो आपका वीडियो, चाहे आपके चैनल पे 1 सब्सक्राइबर हो चाहे 10 सब्सक्राइबर्स हो, आपका वीडियो भी सर्च में आ सकता है अगर आप प्रॉपर वे से करते हैं। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं 4,67,000 पेज व्यू पे 25,000 रुपए मिले हैं और 5,500 सब्सक्राइबर मिले हुए हैं, और देख सकते हैं ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ब्राउज फीचर से, यूट्यूब सर्च से, यूट्यूब सर्च से भी आ रहा है ट्रैफिक, ऐसा नहीं यूट्यूब सर्च से नहीं आ रहा। तो ये वीडियो मैंने क्या किया है, काफी सारे टैग पे जो कीवर्ड से उस पर रैंक कराया हुआ है, ये यूट्यूब सर्च से आ रहा है तभी इतना अच्छा पैसा मिला हुआ है। और यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं डिटेल पे जाता हूं, डिटेल पे आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से मैंने अपने वीडियोस को क्या किया है, एसईओ करके रैंक कराया है, जिससे ये लाइफ टाइम अर्निंग देगा मुझको। देखिए मूवी अपलोड करके पैसे कैसे कमाए, यहां पर आप खुद देख सकते हैं यहां पर मैंने कैसे किया है, मूवी अपलोड करके पैसे कैसे कमाए, यूट्यूब पर वीडियो, यूट्यूब पर मूवी अपलोड करके पैसे कैसे कमाए, मैं दो टैग, दो कीवर्ड्स पे मैंने अपने इस वीडियो को रैंक कराया हुआ है। और देख सकते प्रॉपर वे कैसे मैंने टाइटल पूरा यहां से कॉपी किया, टाइटल कॉपी किया, वो डाल दिया, इसके बाद देख सकते हैं यहां पर ये देखिए एक
प्रॉपर वे से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कीवर्ड डाले, कुछ दिखाया कि कैसे कैसे यहाँ पर टेलीग्राम पर वीडियो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर मूवी क्लिप अपलोड करके पैसे कैसे कमाए। और ये देखिए यहाँ पर यूट्यूब सर्च से आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके एनालिटिक्स पे जाता हूँ और SEO वगैरह मैंने कैसे किया है, रीच पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक आया है इस 467,000 पे 48% ट्रैफिक मेरा यूट्यूब सर्च से आया, यूट्यूब सर्च, बाद में भी ब्राउज फीचर। तो अब आप इसी तरीके से आपको काम करना है, मैं आपको बता दिया कि कैसे, जैसे कोई भी शिमला डाला तो कैसे रैंक करता है, जैसे यहां पर देखिए मैं अगर कोई शिमला डाल देता है, कोई भी शिमला डालता है फिर भी यहां पर कैसे कैसे करके रैंक करती है, वीडियो कैसे होती है। अब ये टैग आपको कहां लेना है मैंने आपको बता दिया, rapidtag.com, ऐसे करके मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी। अब जैसे यहां पर कोई भी आपको टैग डालना है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल, मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे हम आप बता रहे हैं मोबाइल हैंगिंग, ठीक है, हैंगिंग प्रॉब्लम, मैं इस पे एक कर देता हूं एक बार, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम मैंने डाला, मेरा टॉपिक है कि मोबाइल हैंग करता है, मोबाइल हाउ टू फिक्स हैंगिंग प्रॉब्लम, मैंने डाला मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, अगर मेरा चैनल जो वीडियो का टाइटल ये है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर टैग कितने सारे आ जाएंगे आपको। देखिए कहां पर मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व, मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, मोबाइल हैंगिंग सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, देखिए कितने, हाउ टू फिक्स मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम, मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तमिल, हिंदी, सारी चीजें देखिए। तो आपको इसी तरीके से अपने वीडियो को, ये सारे जो टैग लगेंगे ये आपके, ये जो जो टैग्स है ये आपके वीडियो के टैग में लगेंगे, टाइटल में होगा। टाइटल कैसे होगा इसका, टाइटल कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं कि हाउ टू फिक्स मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम, मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये तीन में आपने रैंक करा दिया, तीन में। और ये सारे टैग आप डाल देंगे और मैं कह रहा हूं 100% अगर आप ये चीजें कर देंगे तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक YouTube सर्च में आ जाएगा, SEO काम कर जाएगा और आपके वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आने लगेंगे। तो ये एक तरीका होता है, इसी तरीके से हमें YouTube पर काम करना होता है। आपको मैंने बताया है पहले ही कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो हमारी लाइफ टाइम अर्निंग है, ये यूट्यूब सर्च पर जा चुके, SEO कर चुका हूं, ये वीडियो कभी नहीं बंद होने वाली जल्दी से, और ये जो वीडियो है इसका कोई भरोसा नहीं है कभी भी बंद हो जाए। तो ये फायदा होता है यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ का। तो एल्गो ऐसे काम करती है, SEO ऐसे काम करता है, ऐसे करके आपको रैंक करना है। और आई होप कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको देने वाला हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस चैनल पे। तो अगर आपने अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूं एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।